एमक्यूएम सिंध बजट को मुस्तरद करती है। सिंध हुकूमत ने बजट में भी शहरी आबादी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। सिंध के शहरी इलाकों में पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, शहरी इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर खंडर बनता जा रहा है। बड़े शहरों में निकासी आब का निजाम तबाह हो गया, सरकारी अस्पतालों में सहूलतें ना होने के बराबर है, शहरी इलाकों के अवाम मसाइल की दलदल में धंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों को इंतकाम का निशाना बना रही है। कराची के अवाम आखिर कब तक तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, खेल, पार्क, पानी, गंदे पानी की निकासी और दीगर सहूलियात से महरूम रहेंगे? कराची के अवाम आखिर कब तक मुलाजमतों से महरूम रहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के इस मुतासिबाना और जालमाना बजट बराए 2020-21 को एमक्यूएम पाकिस्तान यकसर मुस्तरद करती है। मैं सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करता हूं कि आप कराची के तरक्की कामों के लिए मुनासिब हिस्सा दिलवाएं, क्योंकि कराची शहर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हमारे मुल्क का दिफा कराची की मईशत से जुड़ा हुआ है। अगर कराची शहर तबाह होगा तो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का दिफा भी कमजोर होगा। लिहाजा अगर पाकिस्तान की मईशत को बचाना है तो कराची की तामीर तरक्की के लिए वफाक को बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा। इसी तरह आला अदलिया को भी अपना किरदार अदा करना होगा।